फूड का डाइजेशन कैसे होता है देखते हैं। माउथ के अंदर फूड मिक्स होता है, ये जाता है ईसोफेगस से स्टमक के अंदर, यहाँ पर इसका डाइजेशन होगा, फिर ये जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में जहाँ पे पेनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस इसके अंदर मिक्स होगा, फिर ये इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेस्ट होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन से जाएगा ये लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जहाँ पे इसका फूड का एब्जॉर्प्शन होगा और अनडाइजेस्टेड फूड आ जाएगा रेक्टम के अंदर और रेक्टम से बाहर एनएस के